जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक श्री राधा माधव चिंतन से श्री राधा रानी जी की महिमा। श्री राधा कौन है? श्री राधा का अस्तित्व सत्य है या कवि कल्पना मात्र है? राधा का स्वरूप नित्य अनादि अनंत एक रस है या साधन जगत अथवा कल्पना जगत में उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है? श्री राधा हैं तो उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है? राधा उनकी परिणिता पत्नी हैं या परिकिया हैं? श्री राधा विलास प्रिय, जैसा कि बहुत से कवियों ने उनका वर्णन किया है, स्वच्छंद रमणी हैं या साधन जगत के आदर्श परम त्यागमयी देवी हैं? उनमें क्या क्या गुण हैं और उनकी कैसी क्या क्या लीलाएँ हैं? ये तथा ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर देने की न मुझमें योग्यता है, न शक्ति है, न बुद्धि है, न अधिकार है और न आवश्यकता ही है। श्री राधा जी के अनंत रूप हैं, उनमें अनंत गुण हैं, उनके स्वरूप भूत भाव समुद्र में अनंत विचित्र तरंगें उठती रहती हैं और उनको विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न लोगों ने देखा है। अतएव उनके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि उन्हें जिस भाव से जानना चाहते हैं वे उसी भाव से जान सकते हैं। मुझे तो प्रेमी संत महात्माओं के मत अनुसार यही जान पड़ता है कि एकमात्र सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण ही विभिन्न दिव्य रूपों में लीलायमान हैं। वह एक ही परम तत्व श्री कृष्ण, श्री राधा और अनंत गोपीजनों के रूप में दिव्यतम मधुरतम स्वरूप भूत लीला रस का आस्वादन करता रहता है। इस आस्वादन में वस्तुतः आस्वादक तथा आस्वाद्य का कोई भेद नहीं है। परम तत्व श्री कृष्ण निरुपम निरुपाधि सत चित आनंद घन है। सत संधिनी, चित चित्ती और आनंद आह्लादिनी शक्ति है। ये आह्लादिनी शक्ति स्वयं श्री राधा हैं। संघिनी वृंदावन बनी है और चित्ती समस्त लीलाओं की व्यवस्थापिका तथा आयोजिका योग माया है। श्री राधा ही लीला विहार के लिए अनंत काय व्यूह रूपा गोपांगनाओं के रूप में प्रकट हैं। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र रस हैं और उन दिव्य मधुराति मधुर रस का ही यह सार विस्तार है। भगवान और भगवान की शक्ति यही वस्तुतः रस तत्व है। अन्य समस्त रस तो विरस, कुरस और अरस हैं। अतएव सच्चिदानंद विग्रह परम रसराज श्री कृष्ण में और सच्चिदानंद विग्रह आनंद आनंदांश घनीभूता आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता रसमयी श्री राधा में तत्वतः कुछ भी अंतर नहीं है। नित्य एक ही नित्य दो बने हुए लीला रस का वितरण तथा आस्वादन करते रहते हैं, परंतु भगवान की केवल मधुरतम लीलाओं का ही नहीं, उनकी लीला मात्र का ही तत्व एकमात्र आधार उनका परम शक्ति राधा रूप ही है। शक्ति से ही शक्तिमान की सत्ता है और शक्ति रहती है शक्तिमान में ही। अतः अनादि सर्वादि सर्व कारण कारण अद्वय ज्ञान तत्व रूप सच्चिदानंद घन ब्रज रस निधि श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र और उनके आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी का परस्पर अभिन्न तथा अविनाभाव नित्य अविच्छेद्य तथा एक के संबंध हैं। श्री राधा पूर्ण शक्ति हैं, श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं, श्री राधा दाहिका शक्ति हैं, श्री कृष्ण साक्षात अग्नि हैं, श्री राधा प्रकाश हैं, श्री कृष्ण भुवन भास्कर हैं, श्री राधा ज्योत्सना हैं, श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र हैं। इस प्रकार दोनों नित्य एक स्वरूप हैं। एक होते हुए ही श्री राधा समस्त कृष्ण कांताओं की शिरोमणि आह्लादिनी शक्ति हैं। वे स्वमन मोहन मनमोहिनी हैं, भुवन मोहन मनमोहिनी हैं, मदन मोहन मनमोहिनी हैं। वे पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण चंद्र के पूर्णतम विकास की आधार मूर्ति हैं और वे हैं अपने विचित्र विभिन्न भाव तरंग रूप अनंत समुद्र में श्री कृष्ण को नित्य निमग्न रखने वाली महाशक्ति। ऐसी इन राधा की महिमा राधा भाव द्युति सुवलित तनु
श्री कृष्ण चंद्र के अतिरिक्त और कौन कह सकता है, पर वे भी नहीं कह सकते, क्योंकि राधा गुण स्मृति मात्र से ही वे इतने विवल और मुग्ध गदगद कंठ हो जाते हैं कि उनके द्वारा शब्दोच्चारण ही संभव नहीं होता। मैं तो रस शास्त्र से सर्वथा अनभिज्ञ नितांत अज्ञ हूँ, इसलिए रस शास्त्र की दृष्टि से कुछ भी कहना मेरे लिए सर्वथा अनधिकार चेष्टा है। अतः इस विषय पर कुछ भी न कहकर जिनका दिव्य अति दिव्य पद रज कण ही मेरा परम आश्रय है, उन श्री राधा जी के संबंध में कुछ शब्द उनकी कृपा से लिख रहा हूँ। जिन श्री राधा जी की अयाचित कृपा से मुझे उनका जो कुछ परिचय मिला है और जिन्होंने अपने महान अनुग्रह दान से मुझ पतित पामर को अपनाकर कृतार्थ किया है, वे अपनी अचिंत्य महिमा में स्थित श्री राधा जी न तो विलासमयी रमणी हैं, न उनका उत्तरोत्तर क्रम विकास हुआ है, न वे कवि हृदय प्रसूत कल्पना है और न उनमें किसी प्रकार का गुण रूप सौंदर्य अभिमान ही है। वे नित्य सत्य एकमात्र अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर की सुख विधाता हैं। वे इतनी त्यागमयी हैं, इतनी मधुर स्वभावा हैं कि अचिंत्यानंत गुणगण की अनंत आकार होकर भी अपने को प्रियतम श्री कृष्ण की अपेक्षा से सदा सर्व सद्गुणहीन अनुभव करती हैं। वे परिपूर्ण प्रेम प्रतिमा होने पर भी अपने में प्रेम का सर्वथा अभाव देखती हैं। वे समस्त सौंदर्य की एकमात्र निधि होने पर भी अपने को सौंदर्य रहित मानती हैं और पवित्रतम सहज सरलता उनके स्वभाव की सहज वस्तु होने पर भी वे अपने में कुटिलता तथा दंभ के दर्शन करती और अपने को धिक्कार देती हैं। वे अपनी एक अंतरंग सखी से कहती हैं, सखीरी हों अवगुण की खान, तन गौरी मन कारी भारी, पातक पूर्ण प्राण। सखीरी हों अवगुण की खान, इस प्रकार श्री राधा जी अपने को सदा सर्वदा सर्वथा हीन मलिन मानती हैं, अपने में त्रुटि देखती हैं। परम सुंदर गुण सौंदर्य निधि श्याम सुंदर की प्रियसी होने की अयोग्यता का अनुभव करती हैं एवं पद पद पर तथा पल पल में प्रियतम के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके भोलेपन पर दुख प्रकट करती हैं। श्याम सुंदर के मथुरा पधार जाने पर वे एक बार कहती हैं, सद्गुणहीन रूप सुषमा से रहित दोष की मैथी खान, मोह विवश मोहन को होता मुझ में सुंदरता का भान, न्योछावर रहते मुझ पर सर्वस्व स मुद कर मुझको दान, कहते थकते नहीं कभी प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी मतिमान। प्रियतम छोड़ो इस भ्रम को तुम बार बार मैं समझाती, नहीं मानते उर भरते मैं कंठहार उनको पाती। गुण सुंदरता रहित प्रेम धन दीन कला चतुराईहीन, मूर्खा मुखरा मान मद भरी मिथ्या मैं मतिमंद मलिन। रहता अति संताप मुझे प्रियतम का देख बड़ा व्यामोह, देव मनाया करती मैं प्रभु हर लें सत्वर उनका मोह। श्री राधा के गुण सौंदर्य से नित्य मुग्ध प्रियतम श्याम सुंदर यदि कभी प्रियतमा श्री राधा के प्रेम की तनिक भी प्रशंसा करने लगते, उनके प्रति अपने प्रेम कृतज्ञता का एक शब्द भी उच्चारण कर बैठते अथवा उनके दिव्य प्रेम का पात्र बनने में अपने सौभाग्य सुख का तनिक सा संकेत भी कर जाते, तो श्री राधा अत्यंत संकोच में पड़कर लज्जा के मारे गड़ सी जाती। एक बार उन्होंने श्याम सुंदर से रोते रोते कहा कि तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं, अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। मेरी त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी, दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी, तब भी कहते दे न सका मैं
तुमको कुछ भी हे प्यारी। तुम सी शील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख ल जाती अपनी ओर। मेरी हर करनी में ही तुम प्रेम देखते नंद किशोर। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।